बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर बोंग। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही मशहूर लाहौरी बोंग बनाने का असल तरीका आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सुपर बोंग बहुत ही ज़बरदस्त और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको आप घर में ही बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोंग ली है मैंने 3 किलो और इसकी मैंने गोश्त को अच्छी तरह मैंने साफ़ करके हड्डी से मैंने उतार लिया है, यानी हड्डी मैंने अलहदा कर लिया और गोश्त मैंने अलहदा कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसका हमें पेस्ट चाहिए होगा। इस प्याज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। नमक हसबे ज़रूरत हमें चाहिए होगा, वैसे 3 टेबल स्पून इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। जाफ़ेल हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 अदद और इसका मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। जावेत्री हमें चाहिए होगी तकरीबन 5 ग्राम और इसको भी मैंने अच्छी तरह यानी इसका मैंने पाउडर बना लिया है। सौंफ हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 4 अदद। दालचीनी के हमें पीस चाहिए होंगे 6 से 7 अदद। लौंग हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। छोटी इलायची हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून और घी हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कपड़ा ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने सूखा धनिया लिया था वो सूखा धनिया आपने इसके ऊपर डाल देना है। हमने इसकी गठली बनानी है यानी पोटली बनानी है, तो इसके बीच में जो अजवाइन हमने ली थी वो भी आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसी के ऊपर आपने जो सौंफ हमने ली थी वो भी आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसकी आपने पोटली बना लेनी है ताकि ये स्पाइस हमने हांडी में डालने और ये स्पाइस का सिर्फ हमने टेस्ट चाहिए यानी कि इसका असर चाहिए हमें जो हांडी के अंदर आ जाएगा। तो हम बाद में ये जब हांडी अच्छी तरह हमारी पक जाएगी तो हम इस ये पोटली को निकाल लेंगे। ये देख लें हमने पोटली बिल्कुल तैयार कर ली है, अच्छी तरह आप इसको गिरा मार के तैयार कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर 250 ग्राम जो हमने घी लिया था वो इसके अंदर आपने डाल देना है और घी जब अच्छी तरह आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए यानी मीडियम गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने प्याज जो पेस्ट बना लिया था वो पेस्ट भी आपने इसके अंदर डाल देना है। बस आपने इसके अंदर पेस्ट डालकर इसको आपने फ्राई करना है और चमचे को अपने साथ साथ हिलाते रहना है। आपने इसको तकरीबन गोल्डन सब लाइट कलर देना है यानी गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है और चम्मच अपने हिलाते रहना और मीडियम और लो को अपने पर मीडियम के ऊपर रखना है। ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करनी, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको गोल्डन सा कलर इसको देना है। जब ये हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसमें बाकी हम स्पाइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपने बस चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि प्याज अच्छी तरह हमारी चारों तरफ से गोल्डन हो जाए। ये देख लें हमारी प्याज तकरीबन गोल्डन हो चुकी है और बहुत ही अच्छा सारा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर डाल दिया है ताकि हमारा लहसुन अदरक एकदम अंदर डालने से जल ना जाए। तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा पानी 1/2 कप पानी डालकर 2 टेबल स्पून के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट के अंदर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर जो सुरख मिर्च हमने ली थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके साथ ही आपने हल्दी जो 1 टेबल स्पून हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। आपने अभी मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको अच्छी तरह भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि सारा मसालों का जो कच्चापन है दूर हो जाए। फिर इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जो हमने लिया था वो आपने इसके अंदर डाल देना है और जावेत्री जो हमने ली थी 5 ग्राम वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है
और इसको भी अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट भून लेना है। मैं सारे स्पाइस एक साथ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुना जाए। जितना अच्छा ये हमारा मसाला भुना जाएगा हमारी बोंग उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें मसाले डालकर इसको भून रहा हूँ। तो फिर इसके अंदर जो नमक हमने लिए थे 3 टेबल स्पून, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देख लें नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट भून लेना है ताकि हर स्पाइस के साथ हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुना जाए और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और डेवलप हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर जो बादियान के फूल हमने लिए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं और साथ ही बड़ी इलायची वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। फिर जो छोटी इलायची हमने ली थी उसको थोड़ा सा आपने कूट लेना है या हाथ के ऊपर ही थोड़ा सा मरोड़ के ताकि वो खुल जाए, तो इसके अंदर वो आपने ऐड कर देना है। और साथ ही आपने इसके अंदर दालचीनी जो हमने ली थी वो भी इसके अंदर आपने डाल देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने 3 से 4 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि सारे स्पाइस अच्छी तरह इसके साथ फ्राई हो जाए और इनका जायका खुशबू अच्छी तरह मसाले के साथ ऐड हो जाए। तो हम बार बार इसमें और इसमें आपने तकरीबन 1/2 कप पानी भी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लग जाए और ये अच्छी तरह भुना भी जा सके। तो थोड़ा सारा पानी डाल के यानी कि 1/2 कप पानी डाल के आपने इसके अंदर इसको ऐड कर देना है और देख ले अच्छी तरह इसको 3 से 4 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह इसको भून लेना है। चमचा आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि सारे स्पाइस हमारे एक जैसे भुने जा सके। फिर इसके अंदर जो हमने जावेत्री ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको भी आपने 3 से 4 मिनट भून लेना है। जावेत्री, जाफल, इससे इसका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। फिर इसके अंदर आपने 1/2 कप पानी ऐड कर देना है और इसके अंदर जो हमने बोंग ली थी, जो हमने हड्डी को अलहदा कर लिया था और गोश्त को अलहदा कर लिया हुआ है, तो आपने वो हड्डियाँ भी पहले इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ ही इसके अंदर इसको थोड़ा सारा मिक्स करके हमने पानी इसीलिए इसे डाल दिया ताकि जो हमारा मसाला है वो ज़्यादा खुश्क ना हो जाए और सारा मसाला अच्छी तरह इसके साथ भी लग जाएगा और अच्छी तरह इसके साथ भुना भी जाएगा। तो साथ ही आपने इसके अंदर जो गोश्त हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यह रेसिपी बहुत ही मशहूर रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ये जो बनती है वो मैं आपके लिए वो रेसिपी मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान है, बस सिर्फ आपकी सोच से मेहनत इसको भूनने तक है। फिर इसके अंदर आपने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी आपने इसके अंदर डाल देना है बस। अभी आपका सिर्फ काम इतना है कि आपने इसको अभी चम्मच ज़्यादा नहीं लगाना, बस सिर्फ इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। यानी हमने 4 लीटर पानी तकरीबन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी कि 4 लीटर पानी इसके अंदर डाल देंगे। ये देख लें इसके अंदर हमने पानी ऐड कर रहे हैं और 4 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर इसके अंदर जो स्पाइस की हमने पोटरी बना ली थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है ताकि इस पानी के साथ ही इसका जायका और इसकी खुशबू सारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून गरम मसाला जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर रख कर तकरीबन इसको एक जोश देना है। जब अच्छी तरह इसके अंदर उबाल आ जाए तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। फिर इसको आप कवर भी लगा सकते हैं या वैसे भी आपने इसको अच्छी तरह इसको जोश देना है। ये देख लें हमारे तकरीबन इसको अच्छी तरह एक उबाल आ गया हुआ है। फिर आपने इसको क्या करना है, आपने अभी इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, यानी कि बिल्कुल आपने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर ले जाना है। जब अच्छी तरह एक उबाल आ जाए तो फिर उसके बाद आपने इसको बस अभी आपने चम्मच नहीं लगाना, आपने इसको मिक्स नहीं करना, बस सिर्फ आपने इसकी लो को बिल्कुल लो दम वाली आग के ऊपर रख कर हमने इसको 6 से 8 घंटे अभी पकाना है। तकरीबन इसका पानी हमने खुश करना है, तकरीबन आधे से भी थोड़ा सा कम रह जाएगा इसका पानी, तो हमारी मोंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देख लें तकरीबन 1 घंटा हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको कवर लगाकर बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर रख दिया था, तो ये फिर इसको आपने 1 घंटे दोबारा आपने कवर लगा के रख दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देख लें हमारे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और इसको भी मैंने सिर्फ दम वाली फ्लेम के ऊपर बस रखा हुआ है। इसके आयल भी अपना सारा छोड़ दिया हुआ है और ये खुद ही इसके अंदर ये पक रही है और आस्ता आस्ता हमारा पानी भी खुश्क हो रहा है।
तो हड्डियों से इस तरह सारे के सारा जो सिरप है वो सारा निकल जाएगा, यानी उसका असर, उसका टेस्ट सारा इसके बीच में आ जाएगा। ये तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, आप इसको देख लें, तकरीबन हमारा पानी हाफ़ तकरीबन खुश्क हो चुका है, हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और इसका टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह होगा। बस आपने दोबारा कवर लगा के इसको रख देना है, बस थोड़ी सारी हमारी इसकी कसर रह गई है। ये देख लें तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं और ये देख लें हमारी ये बोंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसने अपना अच्छी तरह अपना ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है, यानी कि घी भी इसने छोड़ दिया हुआ है और साथ ही जो हड्डियों के साथ जो उसका टेस्ट था और जो उसका जायका था वो सारा का सारा इसमें ऐड हो चुका है और गोश्त भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह, यानी हमारी मोंग भी अच्छी तरह गल चुकी है। तो फिर आपने इसकी गैस को बिल्कुल बंद कर देना है, यानी कि जो दम वाली हमने आँच पर रखा होता है इसको भी आपने बंद कर दीजिए और ये आपकी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देख लें हमने इसको लो को भी बिल्कुल बंद कर दिया है और उसके बाद अब ये 8 घंटे हो चुके हैं, ये देख लें बिल्कुल ये रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। मैंने इसको टेस्ट किया था, बहुत ही मज़ेदार है। बस आपने इसको बस मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये बोंग बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देख लें हमने जो स्पाइस की पोटरी डाली थी वो आपने पोटरी को अभी अलहदा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अभी जब भी आपने इसको यानी कि खाने के लिए निकालना है तो बस हल्का सारा आपने इसको गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप इसको सर्विंग के लिए ले जा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, जायका और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये शोरबा भी इसका बहुत ज़्यादा थिक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कम ज़्यादा इसको करना चाहें तो वो भी आप इसको कर सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा आपका पतला करना चाहें तो आप इसके अंदर गर्म पानी डालकर आपने 2 से 3 अभी इसको सिर्फ जोश देने हैं। तो ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बस आप इसको डिश आउट कर लीजिए। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही गज़ाई से भरपूर रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये असल लाहौरी बोंग बनाने का असल तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।